हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। सॉल्यूशन चैप्टर को चलिए आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े थे। आज हम लोग चौथा और अंतिम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर है उस पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर से। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई द्वारा। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, परासरण हिंदी में बोलते हैं इसको। तो देखिए, मान लीजिए हमारा ठीक है ना, कुछ इस तरह से दो सॉल्यूशन कांटेक्ट में है। ठीक है, दो सॉल्यूशन क्या है, आपस में कांटेक्ट में है। ठीक, बीच में एक बैरियर है। ठीक, दो सॉल्यूशन है। मान लीजिए ये सॉल्वेंट हुआ, ठीक, या कोई सॉल्यूशन है, कोई कोई दो सॉल्यूशन ही है। या पहले कंपैरिजन करते हैं, एक साइड हमने सॉल्वेंट लिया है, दूसरे साइड हमने सॉल्यूशन लिया है। क्या लिया है, सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ये क्या होगा, ये होगा लेस कॉन्सेंट्रेटेड, लेस कॉन्सेंट्रेटेड। सॉल्यूशन क्या होगा कंपैरेटिवली, ये होगा मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक, देखिए तो जब दो सॉल्यूशन आपस में जब कांटेक्ट होगा, किसके द्वारा, इस बैरियर के द्वारा, इस बैरियर को बोलते हैं SPM। ये बैरियर क्या कहलाएगा, SPM। SPM का पूरा नाम होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो क्या होगा जब दो सॉल्यूशन आपस में कांटेक्ट होगा, एक का कंसंट्रेशन कम होगा, दूसरे का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, पहले लिख लेते हैं कि क्या होगा भाई। दी पैसेज और मूवमेंट, दी पैसेज और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और ब्रैकेट में लिख देते हैं लेस कॉन्सेंट्रेटेड, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ब्रैकेट बंद, फ्रॉम दी सॉल्वेंट, फ्रॉम दी सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ब्रैकेट बंद, थ्रू थ्रू SPM, जिसका पूरा नाम लिख दिया है ऊपर में मैंने, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक, तो क्या है प्यारे बच्चों ऑस्मोसिस,
द पैसेज और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, किसका मूवमेंट होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या कोई लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन फ्रॉम द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मॉलिक सॉल्वेंट साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का क्या होगा पैसेज होगा, किधर होगा टू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब मोर कॉन्सेंट्रेटेड है ना, जब सॉल्वेंट ले रहे हैं तो कह सकते हैं कि ये क्या है सॉल्यूशन, तो ये या दो सॉल्यूशन होगा तो एक होगा लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक होगा मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द SPM इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है ना। यानी कि जब दो सॉल्यूशन, एक का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अब दोनों जब आपस में कनेक्ट होगा, ठीक है, किसके द्वारा SPM के द्वारा, तो क्या होगा भाई स्पॉन्टेनियस स्वतः सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट या लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मूवमेंट किधर होगा सॉल्यूशन की तरफ या मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, तो इसी को कहेंगे ऑस्मोसिस, इसी को कहेंगे ऑस्मोसिस। डेली लाइफ से जरा हम ऑस्मोसिस का एग्जांपल लेते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। एग्जांपल रॉ मैंगोज सराइवल व्हेन kept in, when kept in brine, brine क्या है भाई, brine है salt solution, brine है salt solution, पहला example। दूसरा example जो लेते हैं wilted fruits और vegetables get fresh है ना when kept in, when kept in water, when kept in water। तीसरा example जो हम ले सकते हैं blood cells कोलैप्स है ना व्हेन केप्ट इन सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक, अच्छा सॉल्ट या सुगर सॉल्यूशन। एग्जांपल जरा देखिए, अगर हम रॉ मैंगोज सराइवल व्हेन केप्ट इन ब्राइन, कच्चा आम वगैरह को जब हम लोग नमक के अचार वगैरह बनाते हैं घरों में, तो जब हम लोग कच्चा आम में क्या करते हैं नमक हल्दी वगैरह मिला देते हैं तो क्या होता है, कच्चा आम के अंदर का जो पानी होता है ना, वो जो है सो निचोड़ लिया जाता है, पानी क्या करता है अंदर से पानी निकल जाता है कच्चा आम है ना, और जब हम नमक वगैरह डालते हैं कच्चा आम में नमक डालते हैं तो नमक क्या करता है पानी के साथ घुल करके एक मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाता है, ठीक, और कच्चा आम के अंदर का जो पानी होता है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड, तो क्या होता है उसके लेस कॉन्सेंट्रेटेड से ब्राइन सॉल्ट सॉल्यूशन बाहर की तरफ, जिसमें वो अचार जिसमें वो लपेटा हुआ रहता है ब्राइन सॉल्यूशन में, जो कि सॉल्ट सॉल्यूशन जो कि मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आम के अंदर का अचार के अंदर का जो है सो पानी है वो बाहर निचोड़ा जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से, और इस वजह से अचार क्या हो जाता है रॉ मैंगोज क्या हो जाता है सराइवल, वो देखते हैं सिकुड़ जाता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है ऑस्मोसिस की वजह से। दूसरा देखते होंगे खासकर समय के साथ फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्या हो जाता है, खासकर गर्मियों में देखते होंगे कि सब्जियां और फल वगैरह क्या होता है मुरझा जाता है, लेकिन जो ही जो है सो जब फ्रेश वाटर में रखते हैं तो क्या हो जाता है वो फिर ताज़ा हो उठता है, किसकी वजह से, क्योंकि जब फल सब्जी वगैरह पर जब पानी छिड़कते हैं स्प्रिंग करते हैं तो पानी जो है सो जो कि लेस कॉन्सेंट्रेटेड है सॉल्वेंट है वो उसके अंदर चला जाता है ऑस्मोसिस की वजह से, ठीक। ब्लड सेल कोलैप्स व्हेन केप्ट इन सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, जब देखेंगे जब कोई गाढ़ा नमक कुछ देर तक अपने हाथ को ही अगर हम रखें, अगर गाढ़ा नमक सॉल्यूशन में या शुगर चीनी सॉल्यूशन घोल में रखें ज़्यादा देर तक रखेंगे तो बाहर निकालेंगे तो देखेंगे क्या कि जो हमारा स्किन वगैरह है वो श्रिंक हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है वो, ठीक है,
तो ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वही कारण है, ब्लड सेल, जो ब्लड सेल है, ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड है ना, जो फ्लूइड है वो उसके कॉन्सेंट्रेशन से बाहर, जिसमें हम लोग नमक या चीनी घोल में रखते हैं अपने ब्लड सेल्स को, स्किन को, उससे मोर कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड सेल के अंदर का जो फ्लूइड है, लिक्विड है, वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, बाहर का जो फ्लूइड है, जो ब्राइन सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सेल के अंदर का जो फ्लूइड है, लिक्विड है, वो ऑस्मोसिस की वजह से जैसे बाहर आता है, ठीक है। इसकी वजह से स्किन या ब्लड सेल क्या करता है, कोलैप्स होता है, ठीक। तो ये सब जो प्रोसेस होता है किसकी वजह से, ऑस्मोसिस के वजह से, ठीक। इसमें आया था एसपीएम, ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू, तो एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली, ये क्या होता है भाई ये, तो ऑस्मोसिस जो भी प्रोसेस होगा, जैसे कि हमारे जो हमारा ब्लड सेल है या फ्रूट्स या वेजिटेबल लीफ वगैरह है, उस सभी पे क्या है, एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन, एक झिल्ली होता है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और उसी मेम्ब्रेन के थ्रू जो है सो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में एंटर करता है। आप कहेंगे सॉल्यूशन क्यों नहीं जो है सो जाता है सॉल्वेंट में, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सेमी परमेबल। सेमी मतलब आधा, जो सॉल्वेंट स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को, सॉल्वेंट के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को तो पास होने देता है, लेकिन सॉल्यूट के बिगर मॉलिक्यूल्स को पास अपने से नहीं होने देता है, इसलिए मूवमेंट हमेशा किधर से किधर होता है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो एसपीएम का कुछ एग्जांपल है, जैसे नेचुरल जो एसपीएम होता है, नेचुरल एसपीएम एक पार्चमेंट है, पार्चमेंट पेपर भी करके आता है, दूसरा आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है एसपीएम, जो कि सेलोफेन वगैरह होता है, सेलोफेन, ठीक है। ये कैसा है, ये नेचुरल एसपीएम है, नेचुरल है, ये कैसा है भाई, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है ना। चलिए ये हो गया, ऑस्मोसिस समझ गए, एसपीएम ऑस्मोसिस किसके थ्रू होता है, एसपीएम के थ्रू होता है, ठीक। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, अब हमारा आया ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले ही के लिए हमको ऑस्मोसिस को जानना जरूरी था, इसलिए हमने पहले ऑस्मोसिस पे डिस्कशन किया, ठीक। तो क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा फिर से इस जरा फिगर को देखते हैं, एक बार फिर से जरा इस फिगर को देखते हैं, ठीक। ये है सॉल्वेंट, ये है सॉल्यूशन, है ना। अच्छा तो जब ऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, पैसेज इधर से इधर होगा, तो सॉल्यूशन के साइड क्या होगा, लेवल जो है सो लेवल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इधर क्या करेगा, लेवल डिक्रीज करेगा, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अगर हम सॉल्यूशन साइड यानी मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड क्या करें, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें, इस पर क्या करें, एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें, ठीक। तो क्या होगा भाई, तो प्रेशर जैसे इंक्रीज करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जो पी एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा है ना, वो इतना हो जाएगा, ठीक है। क्या करेगा, धीरे धीरे वो जब इस पे प्रेशर बढ़ेगा सॉल्यूशन साइड, तो क्या होगा, जो मूवमेंट, जो ऑस्मोसिस हो रहा था, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में आ रहा था, वो उसको जो है सो स्टॉप कर देगा। जब सॉल्यूशन साइड प्रेशर लगाएंगे एक्सटर्नल, तब क्या करेगा, एक समय ऐसा आएगा जब जो है सो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन में पैसेज मूवमेंट क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, रिप्रेजेंटेड बाई पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई को कैसे डिफाइन कर देंगे, द प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द विच इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड या मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड, है ना, टू
स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर भाई? ठीक है, द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. सिंपल सी है. ठीक, अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स शोज दैट ऑस्मोटिक प्रेशर है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी एट अ गिवन टेम्परेचर एट अ गिवन टेम्परेचर. एक्सपेरिमेंट दिखाता है, चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? जो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है. सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है, मतलब क्या है, इसमें ये सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा है ना, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा होगा. ठीक है ना, तो इसलिए इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, मोलरिटी के. और मोलरिटी में क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आता है. इसलिए कहा हमने कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी एट अ गिवन टेम्परेचर. ठीक है ना, ठीक. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा भाई, यहाँ पे मोलरिटी क्या होगा, मोलरिटी. ठीक है, और टेम्परेचर भी मेंशन करना होगा, मोलरिटी इनटू टेम्परेचर टी. ठीक है, अच्छा, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा. तो यहाँ जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आर. आर क्या है, गैस कांस्टेंट, मोलरिटी, और ये क्या है, मोलरिटी. मोलरिटी को, मोलरिटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है. तो कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिख दें हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन सी. एनसीईआरटी बुक में आपके मोलरिटी के लिए यहाँ पे, वैसे मोलरिटी के लिए एस कैपिटल एम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में भी आपका, या दूसरे बुक में भी, ऑस्मोटिक प्रेशर वाले एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मोलरिटी को सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसलिए हमने सी से लिख दिया. ठीक है, तो इसका मतलब पाई इक्वल टू क्या आ गया भाई, चलिए आगे बढ़ाते देते हैं इसको. तो क्या आया हमारा, मेरा जो आया पाई इक्वल टू सी आर टी आया है ना. सी मोलरिटी है. मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, ये हो गया पाई इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है हमें आपका आर इंटू टी है. आगे बढ़ते हैं, पाई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट. पूरे इस सॉल्यूशन चैप्टर में सबस्क्रिप्ट, जो सबस्क्रिप्ट टू है वो सॉल्यूट का है. ठीक, तो एन टू हो गया इन सॉल्यूट, आर टी बहुत धीरे धीरे आराम से जा रहे हैं. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपका वी, किसमें, लीटर में. ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर पाई इक्वल टू देखें जरा एन टू नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास डब्लू, एन टू है तो डब्लू टू डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हो गया एन टू, तो डब्लू टू बट्टा एम टू ये हो गया एन टू, डब्लू टू आर टी इंटू वी.
ठीक है ना। क्वेश्चन में जनरली आपका जो वॉल्यूम दिया रहेगा वो लीटर में होगा, ml में होगा, तो ml में होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोलरिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। तो इसीलिए जनरली आपका क्वेश्चन में लीटर में ml में होगा वॉल्यूम, तो ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको हम क्या कर लेंगे, लीटर में बना लेंगे। तो ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन, ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन, ठीक है। पिछले क्लास में हमने बताया था कि क्वालिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्या किस में करने में, जनरली क्या निकालने में करते हैं, तो सॉल्यूट का मोलर मास निकालने में करते हैं। तो इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग क्या किस फॉर्म में ले आएंगे, सॉल्यूट का मोलर मास के फॉर्म में ले आएंगे, m2। तो m2 यहां से निकालते हैं, ठीक। तो m2 बराबर क्या होगा, बस ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ऊपर तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, w2 rt into 1000 बट नीचे में हो गया पाई इंटू भी, पाई इंटू ये हो गया, ठीक। चलिए ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन, ठीक। चलिए इसके बाद दो तीन छोटा छोटा टर्म है उसको डिफाइन कर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। इसमें आता है, एक आता है भाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या आता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो दो सॉल्यूशन जिसका दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू सेम होगा तो कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब सेम, है ना। तो लिख देते हैं एक लाइन, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज आइसोटोनिक, ठीक है ना। दो सॉल्यूशन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू सेम आएगा, पाई वन इक्वल टू पाई टू, पाई वन बराबर पाई टू दोनों सॉल्यूशन के लिए, तो कहेंगे दोनों से आइसोटोनिक है, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ आता है, अब जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक, जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, तो एक तो दो सॉल्यूशन मान लीजिए, एक सॉल्यूशन इधर है एक सॉल्यूशन इधर है, ठीक। एक जो है सो एक का ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू पाई वन, दूसरे का वैल्यू पाई टू। जब पाई वन बराबर पाई टू तो क्या होगा, दोनों आइसोटोनिक होगा। जब पाई वन बराबर पाई टू नहीं होगा तो क्या होगा भाई, कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, तो जो बड़ा होगा, ठीक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसको कहेंगे हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्या कहेंगे भाई, हाइपरटोनिक, है ना। तो क्या लिखेंगे इसके, सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन हैविंग मोर वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। दूसरा होगा हाइपोटोनिक क्या होगा, सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू, क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। समझ गए, दो सॉल्यूशन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू सेम तो आइसोटोनिक, दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा तो एक का वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा होगा कहेंगे हाइपरटोनिक। हाइपर बोलते हैं हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाता है, बोलते हैं ना हाइपरटेंशन, हाइपर हो गया है, बहुत गुस्सा हो गया। एक हाइपो है जिसका कम है ना, तो उसको कहेंगे हाइपोटोनिक, ठीक। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जरा एक चीज़ हम ध्यान देने की बात है, जो हमारे बॉडी में जो सलाइन चढ़ता है, जो हमारे बॉडी में सलाइन चढ़ते हैं डब्बा में, जैसे डॉक्टर टांग देता है पाइप से, जैसे लंबा सा है ना, और यहाँ पे वेन में इंजेक्ट करके सलाइन चढ़ाते हैं ना, तो सलाइन क्या है भाई, क्या है सलाइन, सलाइन क्या है, सलाइन है सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट में भी कौन सा, सोडियम क्लोराइड, किसके साथ, वाटर के साथ, है ना। लेकिन सलाइन कब कहेंगे, है ना, सलाइन कहेंगे जब उसका कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.9% बाई मास होगा, बाई मास मतलब डब्ल्यू बाई भी, है ना, डब्ल्यू बाई भी होगा, बाई मास रेशियो। तो
जो सलाइन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9% बाई मास रेशियो होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस यही कॉन्सेंट्रेशन क्यों चढ़ाते हैं हम लोग सलाइन, क्योंकि हमारे बॉडी, हमारे ब्लड सेल, जो ब्लड सेल का है, जो सेल के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर का जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.9%, ठीक है, बाय मास, ठीक है। तो इसलिए सेम कॉन्सेंट्रेशन का सलाइन हम लोग चढ़ाते हैं बॉडी में, क्यों, क्योंकि क्या होगा भाई, अगर इस कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड सेल के फ्लूइड का है, अगर उससे कम कॉन्सेंट्रेशन का सलाइन चढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई, ऑस्मोसिस होगा, है ना, लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू मोर कॉन्सेंट्रेट फ्लो होगा लिक्विड, तो ठीक है। अगर जीरो सलाइन चढ़ाएंगे 0.9% से लेस चढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये होगा लेस कॉन्सेंट्रेटेड, ब्लड सेल का लिक्विड होगा मोर कॉन्सेंट्रेटेड, तो सारा जो है सो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किस में एंटर होगा, ब्लड सेल के अंदर चला जाएगा, अंदर जाएगा तो हमारा जो है सो क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, ब्लड सेल में क्या हो जाएगा, स्वेल आ जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इससे कम कॉन्सेंट्रेट नहीं चढ़ा सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट तो सलाइन चढ़ा दिए तो भी क्या होगा, इस बार ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, ब्लड सेल का फ्लूड जो है सो वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, फिर जो है सो ऑस्मोसिस होगा, इस बार ब्लड सेल के अंदर का फ्लूड जो है सो बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो क्या होगा, ऑस्मोसिस की वजह से तो क्या होगा, जो है सो ब्लड सेल क्या करेगा, कोलैप्स करेगा, वो सिकुड़ेगा, ठीक है, श्रिंक करेगा। तो इसलिए सलाइन जो चढ़ाते हैं हम लोग, ठीक वही कॉन्सेंट्रेशन का जो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड सेल के अंदर का फ्लूड का होता है, ठीक। ब्राइन, एक बार आता है ब्राइन सॉल्यूशन, ये तो सलाइन हो गया, ब्राइन आता है, ब्राइन भी क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन ही होता है ब्राइन, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। ब्राइन जो है सो जो अचार वगैरह में जो नमक घोल इस्तेमाल होता है ना, नमक का घोल वगैरह, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है सलाइन से, ठीक। अच्छा, इसके बाद आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, क्या लिख सकते हैं इसको, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, फिर से वही वाला फिगर ड्रॉ करते हैं, दो सॉल्यूशन है, आपस में कनेक्ट है दोनों, किसके थ्रू, SPM के थ्रू कनेक्ट है, ठीक, है ना, ये SPM हो गया आपका, ठीक। चलिए, ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक। तो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, तो क्या होगा भाई, ऑस्मोसिस होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या होगा, सॉल्यूशन साइड होगा, तो ऑस्मोसिस, ठीक। अब क्या किया हमने, इसमें पाई लगा दिया, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या काम है भाई, ऑस्मोसिस को रोक देगा, है ना, ना इधर से इधर होगा, ना इधर से इधर होगा, ऑस्मोसिस स्टॉप, ठीक। अब अगर पी एक्सटर्नल का वैल्यू, बाहरी प्रेशर का दाब अगर पाई से ज़्यादा हो गया, सॉल्यूशन साइड अब पाई से जैसे ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया तो अब क्या होगा, अब सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सॉल्यूशन में दोनों चीज़ है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, तो प्रेशर जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा भाई, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उसका मूवमेंट अब जो है सो मोर कॉन्सेंट्रेटेड टू लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा। प्रेशर बहुत हाई है, कहीं ना कहीं तो जो है सो जहाँ भी चांस मिलेगा, जहाँ भी ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, बहुत ही जो है सो बहुत सारा माइक्रोस्कोपिक होल होता है ना, जो छोटे जो सॉल्वेंट के बिगर मॉलिक्यूल्स को तो पार होने देगा, लेकिन सॉल्यूट के सॉल्वेंट के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को तो पार होने देता है, लेकिन सॉल्यूट के बिगर मॉलिक्यूल्स को पार नहीं होने देता है, ठीक। तो प्रेशर जब ज़्यादा हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर से तो क्या होगा, अब मूवमेंट किधर से किधर होगा, मोर कॉन्सेंट्रेटेड टू लेस कॉन्सेंट्रेटेड, ऑस्मोसिस का अब उल्टा हो गया, कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या हो गया,
इसी को कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, इधर से इधर ऑस्मोसिस, इधर से इधर रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी को बोलते हैं RO। ठीक है, तो एक लाइन लिख सकते हैं इसमें, क्या लिखते हैं भाई, when the प्रेशर अप्लाइड, है ना, ऑन द सॉल्यूशन इज हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, द फ्लो ऑफ, है ना, द फ्लो ऑफ, इसको लगता है मिटाना पड़ेगा मुझे क्या, अच्छा चलिए फिर से लिख लेंगे, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, इन सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसका फ्लो किधर होगा, है ना, देन द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन टू द सॉल्वेंट साइड, है ना, एक्सेलरेटेड लिख सकते हैं, एक्सेलरेटेड, ठीक, इधर से उधर होने लगता है, दिस इज नोन एज क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, इसका रिवर्स ऑस्मोसिस का मेन एप्लीकेशन है, क्या यूज है हमारे डेली लाइफ में रिवर्स ऑस्मोसिस का, तो एप्लीकेशन ऑफ RO टेक्निक। ठीक, एप्लीकेशन क्या है, पहला अब देखते होंगे RO जो आता है, RO वाटर बोलते हैं ना, RO वाटर, ठीक, कैंट RO आता है ना, तो जब ये सब क्या है, ये जो वाटर प्यूरिफायर मशीन है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये RO प्रिंसिपल पे काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रिंसिपल पे ही काम करता है मूल रूप से। तो RO का क्या आया, पहला एप्लीकेशन आया कि इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक, बोलते हैं ना RO वाटर है, बड़ा अच्छा लगता है पीने में, तो वही जो है सो वही RO है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। दूसरा क्या लिख सकते हैं, डीसेलाइनेशन ऑफ सी वाटर, है ना, समुद्री पानी जो कि नमकीन होता है उसको डीसेलाइन करने में, उसमें से नमक को निचोड़ने में, हटाने में, इसी को बोलते हैं डीसेलाइनेशन ऑफ, अलवणीकरण ऑफ समुद्री जल का अलवणीकरण। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर, उस पर एक NCERT का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट किस में निकालना है, पास्कल में वैल्यू निकालना है। एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ ए पॉलीमर ऑफ मोलर मास इतना, है ना, कह रहा है एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है बाय डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ ए पॉलीमर, है ना, कोई सॉल्यूट है, सॉल्यूट की जगह कौन है, कोई पॉलीमर है, उसका मास दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑफ मोलर, उसका मोलर मास भी दिया हुआ है, उसका गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है उस सॉल्यूट का, उसको कितना पानी में घोला गया है, पानी मतलब सॉल्वेंट, यहाँ पे 400 ml ऑफ सॉल्यूशन इन 400 ml ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन कितना है भाई, 400 ml सॉल्यूशन है। ठीक, चलिए, टेम्परेचर कितना है, इतना है, ठीक, चलिए, तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात, गिवन मास, है ना, गिवन मास ऑफ पॉलीमर क्या है भाई, पॉलीमर सॉल्यूट है, है ना, गिवन मास सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट के लिए सबस्क्रिप्ट क्या यूज करते हैं, W2,
W2 कितना ग्राम दिया हुआ है, घोला गया है ये 1.0 ग्राम। अब इसका मोलर मास है ना, मोलर मास ऑफ पॉलीमर है ना, मोलर मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट का मोलर मास यानी M2, ठीक, 2 सबस्क्रिप्ट सॉल्यूट के लिए। तो 185,000 इसका ये है, ठीक, मोलर मास है, यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल होगा। चलिए ये हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है भाई, 450 ml, ठीक। टेम्परेचर दिया हुआ है T=37°C। एक काम करते हैं, इसको केल्विन बना लेते हैं, ठीक, 273 जोड़ के क्या करें, 7 3 10 7 3 10 एक 11 2 1 3 110 सॉरी 310 केल्विन हो गया, 7 3 10 फिर 7 3 10 एक 11 है ना, 7 3 10 एक 11 2 1 3 310 केल्विन, ये हो गया टेम्परेचर, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, फॉर्मूला लगाइए, तो चलिए लगाते हैं, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाते हैं, नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू क्या होता है भाई, अभी हमने देखा था CRT था ना, तो यहाँ पे सी क्या था, मोलैरिटी, सी क्या है, मोलैरिटी, और मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बाकी NRT। इसी को आगे बढ़ाते हैं पाई इक्वल टू है ना, N2 का हो गया W2 बट्टा M2 है ना, ऊपर में RT नीचे में भी, और निकालें W2 कितना 1 ग्राम, R कितना, R गैस कांस्टेंट, R क्या है वहाँ पे हमने लिखा नहीं जहाँ पे डिराइव किया था, R हम जानते हैं, R है गैस कांस्टेंट, इसका तो वैल्यू हमको पता है अलग अलग यूनिट में, ठीक है, वैल्यू लेंगे जिसमें कि यूनिट क्या है, पास्कल है, और टेम्परेचर किस में है, केल्विन में है, किस में होना चाहिए, केल्विन में। तो R का जो वैल्यू आता है इसमें पास्कल और केल्विन यूनिट वाला, वो 8.314 है ना, × 10^3, ठीक है, किलो पास्कल होता है, तो किलो के जगह 10^3 हो गया, किलो पास्कल लीटर है ना, इसका जरा मैं यूनिट देख लूँ, लीटर पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल, यह हो गया आर, यह हो गया डब्ल्यू, टी कितना है, 310 केल्विन। एम टू कितना है, 185,000 ग्राम पर मोल इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, 450 ml, लेकिन वॉल्यूम तो चाहिए मोलरिटी है, चूँकि है ना सी मोलरिटी है, मोलरिटी नीचे में, वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, ठीक। तो अगर हम लीटर में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 450 अगर ऊपर में मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, तो ये हो गया लीटर है ना, चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए, क्या दिक्कत है, 3 0 3 0 ठीक है ना, 1 0 1 0 देखिए केवल पास्कल बचेगा, PA बचेगा, ग्राम ग्राम कट गया, पर मोल कट गया, केल्विन पर केल्विन कट गया है ना, ठीक। अब ये 450 जब ऊपर से हज़ार से मल्टीप्लाई हो गया, तो अब ये यूनिट क्या रह गया, लीटर, तो ऊपर लीटर नीचा लीटर कट गया, ठीक है ना, तो केवल क्या बच गया, PA बच गया। इसके बाद देखते हैं क्या बच गया भाई, 1000 से जब मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल
राइट शिफ्ट, तीन डिजिट राइट शिफ्ट होगा तो डेसिमल हट जाएगा, तो बचेगा सीधा 8.8314 × 31 नीचे में क्या बच गया, 185 गुना 45 ये हो गया, देखते हैं और यूनिट क्या बच गया, पास्कल। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको, 8.8314 × 31 आता है 257734, नीचे में है 185 8325 8325 पास्कल, ठीक पास्कल। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 257734 / 8325 30.95 पास्कल, ये आ गया आपका आंसर पाई का, ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू पाई का। तो ये रहा प्यारे बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा आप सबको, देखिए चलिए।